एस्टन जेवियर और आज हम देखेंगे एक न्यू चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट तो हमें चलो सबसे पहले हमें पता है कि अब हमारी अर्थ है तो अर्थ में ऑलमोस्ट हर टाइप के स्पेसेस हम देखते हैं, जैसे कि उसमें लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। तो सबसे मेन थिंग है कि लिविंग थिंग जो है तो उसको हम बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग है उसको हम अबायोटिक बोलते हैं। ये समझा कि जो लिविंग थिंग है उसको हम बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग है उसको अबायोटिक बोलते हैं। अब उसमें जो ये जो लिविंग थिंग या फिर बायोटिक एंड अबायोटिक का जो इंटरेक्शन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज इकोसिस्टम। अब उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में भी इंटरेक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीट है, अब सीट क्या है, ये एक लिविंग थिंग है क्योंकि मैंने बताया ना कि बायोटिक लिविंग थिंग मतलब अभी बायोटिक में प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और नॉन लिविंग थिंग में सॉइल वाटर लाइट सनलाइट एक्सेट्रा आते हैं। तो फिर अभी जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम का क्या हो सकता है, जैसे कि सीड जर्मिनेट इन सॉइल। अब सीड जो है वो बायोटिक है बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग, ये प्लांट से रिलेटेड है तो ये लिविंग थिंग है। पर अब ये सॉइल में जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या है, सॉइल अबायोटिक। तो ऐसे ही इन दोनों का इंटरेक्शन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। जैसे कि अब ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लिया हमने, तो हम हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है, एयर, इट इज अन अबायोटिक और हम हैं बायोटिक। तो हम हमारा जो इंटरेक्शन या हमारा जो रिलेशनशिप है वो ही हम क्या बोलते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, मतलब हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप सपोज बहुत सारी चीज़ों से, जैसे नेचुरल रिसोर्स से या फिर कोई मैन मेड आर्टिफिशियल रिसोर्स से हमारी जो एनवायरमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जैसे कि पोल्यूशन। अब पोल्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं। अब ये पोल्यूशन से हमारे इकोसिस्टम को बहुत एफर्ट पर होता है, बहुत एफर्ट पड़ता है, इसलिए हमें कंजर्व करना, हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज़ों से। क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाती है, हमारे जो डेली के मतलब जैसे हमारी डेली रूटीन है वो भी इम्बैलेंस हो सकती है इस सारी चीज़ों से। एनिमल्स प्लांट लिविंग थिंग में बहुत इफेक्ट होता है जब हम हमारे इकोसिस्टम को या हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व नहीं करते। हम अभी देखेंगे कि नीड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्या जरूरी है, मतलब क्या ज़रूरत है हमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन करने की। अभी जैसे मैंने बोला कि हमारे एनवायरमेंट को बहुत सारी चीज़ें एफर्ट करते हैं तो वो हमारे लिविंग थिंग्स मतलब हम जो लिविंग थिंग्स है उसको भी एफर्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स, हमें हमारी इकोलॉजी इम्बैलेंस होती है। तो बस नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का सिर्फ दो काम है, एक तो ये टू मेंटेन द इकोसिस्टम और टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, ये एक उसका काम होता है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। और सेकेंड काम ये है कि टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, कि हम हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम भी एनवायरमेंट के थ्रू, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।
एनवायरमेंट कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम इट्स अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को जाके अवेयरनेस दे कि हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करना या फिर हमारे लिविंग थिंग्स को बचाना या हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करना ये क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे एनवायरमेंट को या हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय से बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हमने अभी देखा कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो हम सबको ही पता है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। जो हमारे अर्थ पे जितने भी अलग अलग टाइप के वेरियस स्पेसेस है उसे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसमें थ्री टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब है ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन सेम स्पेसेस, मतलब जो भी डाइवर्सिटी सेम स्पेसेस में होती है उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, और वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं विद देयर सेम स्पेसेस। और सेकेंड है स्पेसेस डाइवर्सिटी। स्पेसेस डाइवर्सिटी क्या होता है, इननंबरेबल स्पेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं स्पेसेस डाइवर्सिटी में। और लास्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हमें पता है इकोसिस्टम मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज इकोसिस्टम। तो हमारे अर्थ पे के जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पेसेस या फिर हम बोल सकते हैं उनके इंटरेक्शन जो भी इकोसिस्टम में होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसके टू टाइप है, एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइवर्सिटी। ओके नेक्स्ट है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि कितने एरिया में कितने ऑक्यूपाइड स्पेस में कौन से अलग अलग टाइप के स्पेसेस है उसको देखना या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन या उसकी इंफॉर्मेशन निकालना या उसके ऊपर रिसर्च करना उसे ही हम बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट स्पेसेस। अब जो भी स्पेसेस जो डेंजर में है या फिर जो स्पेसेस कम हो रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर उसे ही हम ये क्लासिफिकेशन में देखते हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंडेंजर स्पेसेस। एंडेंजर स्पेसेस मतलब जो कि स्पेसेस बहुत डेंजर में है इस वक्त या बहुत कम है या बहुत बहुत डेंजर में या फिर स्पेसेस ऑलमोस्ट खत्म होने को आई, वो है लॉन्ग टेल मंकी, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेयर स्पेसेस। रेयर स्पेसेस भी मतलब जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, वो है रेड पांडा एंड मॉक डियर। एंड थर्ड है वल्नरेबल स्पेसेस। वल्नरेबल स्पेसेस मतलब इस वक्त जो हम बोल रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइगर, सेव द टाइगर या फिर लॉयन हो गया, जो भी हम सेव करना चाहते हैं हमारे इकोसिस्टम बैलेंसिंग के लिए उसे बोलते हैं वल्नरेबल स्पेसेस। एंड लास्ट है इनडिटर्मिनेट स्पेसेस। इनडिटर्मिनेट स्पेसेस में क्या आते हैं ग्रैंड स्क्वेरल, जो भी स्क्वेरल या फिर जो भी टाइप ऑफ स्क्वेरल जिनकी हैबिटेट सेम है या जिनका बिहेवियर सेम है तो वो सब इनडिटर्मिनेट स्पेसेस में आते हैं।